और अब बात करते हैं देश दुनिया में एक बार फिर से दहशत फैला रहे कोरोना की। दरअसल देश में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड के कुल 423 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार भी अलर्ट है। नए वेरियंट JN1 के भी 22 केस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। JN1 वेरियंट कितना खतरनाक है, क्या कहते हैं एक्सपर्ट, इस रिपोर्ट में देखिए आप। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 423 मामले सामने आए, जिनमें से 266 केरल और 70 कर्नाटक से हैं। केरल में दो लोगों की मौत की खबर है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। असम में भी हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी का दावा किया जा रहा है। राजस्थान में भी कोरोना फिर वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में 12 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार भी अलर्ट मोड पर है। अपने यहाँ 1712 सैंपल लिए गए। SMS हॉस्पिटल और अटैच हॉस्पिटल्स में, SMS के अटैच हॉस्पिटल में 1712 सैंपल लिए गए, उसमें से 12 पॉजिटिव आए, जिसमें से RT-PCR की अपन बात करें तो 8 पॉजिटिव हैं। बायोफायर एक टेस्ट करवाते हैं, जिसमें और भी इन्फ्लुएंजा से लाइक डिजीज के लिए अपन एक टेस्ट करवाते हैं, उनके द्वारा पॉजिटिव केसेज हैं। भारत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 3,742 हो गई है। नए वेरिएंट JN1 के भी 22 के सभी लोगों की एक बहुत बड़ी बैठक ली हुई है और उसमें पूरी यंत्रणा को अलर्ट किया हुआ है। लोगों को मेरी अपील है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। सवाल है कि क्या दुनिया की तरह भारत में भी कोविड का खतरा बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा नए वेरियंट JN1 ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। ये वेरिएंट अब तक 50 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुका है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को तेजी के साथ फैलने वाला बताया गया है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में भी वर्गीकृत किया है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में उन स्ट्रेन को रखा जाता है जिसमें पब्लिक हेल्थ को खतरा नहीं होता है, लेकिन इस म्यूटेशन से चौकन्ना रहने की अधिक संक्रामक है। हालांकि ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, सब लीनेज है, और केसेस तो बढ़े हैं, लेकिन जो भी डेटा आया है उससे क्लियरली ये दिख रहा है कि ये इतना सीरियस नहीं है जैसे आपने कहा डेल्टा टाइप में था, क्योंकि ज़्यादातर जो लक्षण हैं वो अपर एयरवेज के हैं, यानी जुकाम, नज़ला, गले में दर्द, खांसी, बॉडी एक्स, जो हम डेल्टा वेव में देखते थे कि वायरल निमोनिया हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही, ऐसा इस वेरियंट के साथ नहीं देखा। JN1 सब वेरियंट की पहली बार पहचान अगस्त में की गई थी। ये ओमिक्रॉन का सब वेरियंट BA.2.86 से बना है। 2022 की शुरुआत में BA.2.86 ही कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की वजह था। BA.2.86 व्यापक रूप से नहीं फैला था। JN1 मजबूत इम्यूनिटी वालों को भी आसानी से संक्रमित कर सकता है। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इसे US में सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाला वेरियंट बताया है। वेरियंट JN1 के लक्षणों की बात करें तो इससे सर्दी, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द होता है। वेरिएंट JN1 के खौफ के बीच भारत SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंस्टोरियम के प्रमुख डॉक्टर एनके अरोरा का कहना है कि फिलहाल इस वेरिएंट के लिए वैक्सीन के किसी और डोज की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आश्वस्त करना चाहूंगा सबको कि इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, संभल के रहना चाहिए, लेकिन जिसने पहले से ही प्रिकॉशन डोज लिया है उसमें चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कोरोना से बचने के लिए विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, बाहर जाते समय मास्क लगाएं, पहले की तरह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। जाहिर है कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दी है और नया वेरिएंट JN1 तेजी के साथ फैल रहा है। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। खासकर बच्चों, बीमार लोगों और बुजुर्गों को खास ख्याल रखना होगा। टीम न्यूज़ नेशन।